पंजाब के जिले मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में कायम एक हॉल में दावत इस्लामी के शोभा राबता बरा एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट के तहत नेकी की दावत का सिलसिला हुआ, जिसमें अलीपुर के शोभा मेडिकल से वाबस्ता इस्लामी भाइयों, बिजनेस कम्युनिटी और एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक के शोबे से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर निगरान मजलिस के अलावा दीगर जिम्मेदारान भी मौजूद थे। रुकन शुरा हाजी याफूर रजा अत्तारी ने इस्लामी भाइयों के दरमियान हुकूकुल इबाद के मौजू पर सुन्नत भरा बयान फरमाया। रुकन शुरा ने अपने बयान में दावत इस्लामी के मुख्तलिफ शोबाजात का तारुफ भी पेश करते हुए इस्लामी भाइयों को अपनी जिंदगी में दीनी कामों को तरजीह देने और दावत इस्लामी के दीनी माहौल से वाबस्ता होने की तरगीब भी दिलाई। हाजी याफूर रजा अत्तारी ने इस्लामी भाइयों को मेयार जिंदगी के हवाले से भी रहनुमाई फरमाई। आखिर में रुकन शुरा ने दुआ फरमाई और शुरका से मुलाकात भी की। शुरका ने दावत इस्लामी के दीनी और फलाही कामों को सराहा और मदनी खबरों को अपने तासुरात भी दिए। बड़ा दिल खुश हुआ है कि जिस तरह की अभी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के हवाले से उन्होंने बात की, क्वालिटी ऑफ लाइफ के हवाले से बात की है, स्टैंडर्डाइजेशन के हवाले से बात की है कि हम जिंदगी को किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं। आज इंडस होटल में दावत इस्लामी के ज़ेर एहतमाम याफूर भाई ने यहाँ बयान फरमाया, तो माशाल्लाह उन्होंने आज हमें बड़ा अच्छा जहन दिया। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे शोबे दावत इस्लामी के एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट के ज़ेर एहतमाम हाजी याफूर साहब का यहाँ पर एक ट्रेनिंग सेशन का इनेकाद किया गया, जिसमें आपने लाइफ के स्टैंडर्ड्स को बयान किया और इसमें जो है ना मुख्तलिफ शोबात है ज़िंदगी, जिसमें एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक, मेडिकल डिपार्टमेंट, बिजनेस कम्युनिटी और दीगर शोबा है ज़िंदगी ने यहाँ पर शिरकत की और हमें यहाँ पर पता लगा कि हमें अपनी लाइफ के क्या स्टैंडर्ड रखने चाहिए और दावत इस्लामी जो है लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करती है, ये आज हमें पता लगा।